अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जैसे ही हमारी उम्र 30 साल को क्रॉस करती है ना, तो हमारी स्किन का कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कोलेजन के बारे में तो सुना ही होगा। कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो कि 30 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में खुद से बनती है, लेकिन 30 साल के बाद ये बनना कम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी स्किन पहले लूज़ होना शुरू हो जाती है, फिर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइन्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा देर तक जवान कैसे रख सकते हैं? अच्छा, बाज़ार में जो एंटी एजिंग के लिए क्रीम्स मिलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगी होती हैं और वो हर कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए आप लोगों के साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करूँगी आज कि जिसके रिज़ल्ट आपको बाज़ार में मिलने वाली महंगी क्रीमों से भी कहीं ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, इस क्रीम के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो अपने आप को ज़्यादा देर तक जवान और हसीन रख सकते हैं। मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ आपको आज की वीडियो में। तो आपका बस इतना सा काम है कि आपने एंड तक रहना है मेरे साथ। छोटी सी वीडियो है तो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बन जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए एक नीट और क्लीन बाउल। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए वरना जो क्रीम है ना वो ख़राब हो जाएगी। आप लोगों ने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और फिर हमें चाहिए वैसलीन। वैसलीन हमारी स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज करती है और सर्दियों में मेरी ये बहुत ही फेवरेट क्रीम है। तो आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून वैसलीन का। और फिर हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी डीपली हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, तो एलोवेरा जेल का भी हमने ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून। और फिर हमें चाहिए नीविया मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नीविया मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखती है हमारी स्किन को, तो नीविया क्रीम का भी हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। देखिए, हम लोग जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखेंगे ना, उतना ही झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस हमारी स्किन से दूर रहेंगी। तो अब क्या करना है, आपने कर लेना है इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, मिक्स करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तमाम चीज़ों को हमने करना है बिल्कुल यकजान, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगा लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक भी कर दें, जो कि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं एक लाइक करने में। अब आपके घर में कोई भी ग्लास कंटेनर है तो हम क्या करेंगे, उसमें डालकर इसको कर लेंगे सेव। अच्छा, आप इस क्रीम को रूम टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं, यानी कि अच्छा जी, आपने अब इस क्रीम को अप्लाई करना है अपने फेस पर, नेक पर, हैंड्स पर। ये क्रीम जैसे ही आप लोग लगाएंगे ना तो आप नोटिस करेंगे ये क्रीम बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन में और अपना वर्क स्टार्ट कर देगी। आपने इसको एज ए नाइट क्रीम के तौर पर यूज़ करना है, क्योंकि रात में क्या होता है ना, हमारी स्किन की रिपेयरिंग का काम होता है, जिसकी वजह से हम जो भी स्किन केयर नाइट को करते हैं तो इसके रिज़ल्ट भी हमें अच्छे और जल्दी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे दिन में यूज़ नहीं कर सकते, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात को तो लाजमी आपने इसको लगा कर सोना है। अच्छा जी, इस क्रीम के साथ साथ आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रेस से, टेंशन से रखना है बिल्कुल दूर। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रखना है, ज़्यादा पानी पीना है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है और खुश रहना है, बस इतना ही करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने इस चैनल का भी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।